हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट्स। अभी तक आप इस चैप्टर में गौर कर रहे होंगे कि हमारी सारी की सारी बात जो है वो इसी कॉन्स्टेंट के गिर्द घूम रही है, और ये कॉन्स्टेंट ही है जो पूरे चैप्टर में तकरीबन इस्तेमाल होता रहेगा। तो इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट का अब हमने एक और रिलेशनशिप जो है, एक वो फॉर्मूला जो है वो बताना है, डिराइव करना है विद रिस्पेक्ट टू दी सम अदर थिंग। वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट जो है दैट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द स्पीशीज जो कि हमारे पास हिस्सा ले रही होती हैं रिएक्शन के अंदर। आपका इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसका फॉर्मूले में भी हम कंसंट्रेशंस को इस्तेमाल करते रहें। लेट मी राइट डाउन अ फॉर्म जनरल इक्वेशन। ए कोफिशेंट ऑफ कैपिटल ए स्पीशी प्लस बी बी दे रिएक्ट टुगेदर टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी प्रोडक्ट। इफ की जब मैं के सी लिखता हूँ तो के सी होती है प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो सी की कंसंट्रेशन और जब हमारे पास कोएफिशिएंट मौजूद हो तो वो पहुंच जाता है उसके एक्सपोनेंट में, और सिमिलरली डी की कंसंट्रेशन विद डी इन इज एक्सपोनेंट। और रिएक्टेंट्स में आपके पास ए विद स्मॉल ए एंड बी विद स्मॉल बी इन देयर एक्सपोनेंट्स। दिस इज़ द के सी एक्सप्रेशन जो कि हम बार बार प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव करते आए हैं। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें तो जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं दे आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड दे हैव द यूनिट्स ऑफ मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इसी को मैं अगर रिप्लेस कर दूं कैपिटल सी से तो दैट इज़ आल्सो ओके, कि कैपिटल सी भी केमिस्ट्री में हमारे पास कंसंट्रेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो मैं अब के सी को इन टर्म्स ऑफ कैपिटल सी लिख रहा हूँ। के सी की जो अभी हमने पीछे लिखी वो ये फॉर्म थी, ये इसको अब मैं इन टर्म्स ऑफ जब सी लिखूंगा तो स्क्वायर ब्रैकेट को ख़त्म कर दूंगा, हो जाएगा सी कंसंट्रेशन किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ सी। ये जो सबस्क्रिप्ट में है ये बता रहा है कि कंसंट्रेशन किस कंपोनेंट की है, सी कंपोनेंट की है, और ये इसकी पावर में सी। सिमिलरली सी ऑफ डी और इसकी पावर होगी स्मॉल डी, कंसंट्रेशन ऑफ डी विद पावर ऑफ स्मॉल डी। सिमिलरली कंसंट्रेशन ऑफ ए विद पावर ऑफ स्मॉल ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी कंपोनेंट विद द पावर एक्सपोनेंट स्मॉल बी। तो ये मेरे पास इन टर्म्स ऑफ सी जो है वो के सी का एक्सप्रेशन आ गया। क्यों आया, क्यों मैंने सी में लिखा स्क्वायर ब्रैकेट से, बिकॉज अभी मैं जब इसको एनालॉगसली चेंज करूँगा तो आपके पास समझने में जो है इसको आसानी होगी। ये यहाँ तक तो तकरीबन सारी हमारी पुरानी बात थी जो कि हम स्टडी करके आए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ वापस आपके चैप्टर नंबर 3 में और उसके आइडियल गैसेस के पोर्शन में। आपको अगर रिमाइंड हो, आपको अगर याद हो कि जब भी दो गैसेस जो सी हैं, जब भी ए बी गैसेस मिलके सी डी बनाएंगी एंड इफ़ दे आर गैसेस, और कौन सी गैसेस, इफ़ दे आर आइडियल गैसेस। तो आइडियल गैसेस के केस में हमने हमारे पास एक कंक्लूजन थी कि इनकी जो सी मोलर कंसंट्रेशन होती हैं, मोलर कंसंट्रेशन जिनको मैंने अभी सी की शक्ल में रिप्रेजेंट किया, दे आर प्रोपोर्शनल होते हैं टू देयर
पार्शियल प्रेशर, ये एक हमारी फाइंडिंग्स थी, एक कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया था अपने चैप्टर नंबर 3 में कि पार्शियल प्रेशर जो सा है वो मोलर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है व्हेन एवर आइडियल गैसेस आर देयर। तो इसी को हम यूज़ करते हुए मैं इस इन्हीं कंसंट्रेशंस को मैं जो है लिख दूंगा अब इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, कि अगर हमारे पास आइडियल गैसेस का केस हो तो आपके पास जो के सी इन टर्म्स ऑफ सी था, के सी इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन था, आई कैन राइट डाउन दैट के सी इन टर्म्स ऑफ नाउ पार्शियल प्रेशर, बिकॉज आपके पास जब भी आइडियल गैसेस होती हैं तो दीज टू थिंग्स आर कंसंट्रेशन एंड पार्शियल प्रेशर, दे आर प्रोपोर्शनल। तो प्रोपोर्शनल है तो मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगा, तो मेरे पास के सी जो था वो था सी इंटू सी सी, सी इंटू कैपिटल डी पावर में स्मॉल डी, सी इंटू ए इंटू स्मॉल ए एंड सी इंटू बी इंटू स्मॉल बी। ये एक्सप्रेशन है, इसको अब मैं इसको अब मैं जो है रिप्रेजेंट करूँगा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर को हम स्मॉल पी से लिखते हैं, दिस इज स्मॉल पी, सी का पार्शियल प्रेशर और उसकी पावर में स्मॉल सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी कंपोनेंट और उसकी पावर में आएगा स्मॉल डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट कैपिटल ए और उसकी पावर में आएगा उसका कोएफिशिएंट ए, और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट विद पावर हैव हैविंग बी। तो यहाँ पे जो है हमारे पास पी ए पी बी पी सी एंड पी डी दे आर दी पार्शियल प्रेशर्स ऑफ ए, दिस इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट बी गैस, दिस इज़ पार्शियल प्रेशर ऑफ सी गैस एंड दिस इज़ द पार्शियल प्रेशर ऑफ डी गैस। तो ये हमारे पास जो है एक एक्सप्रेशन आ गया के सी का, जो कि हमने रिलेशन फाइंड करना था दो एक्सप्रेशंस के दरमियान, तो दीज वर द टू एक्सप्रेशंस। अब जो है हमारे पास यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि के सी और के पी क्या आपस में बराबर होते हैं या नहीं, क्योंकि ये जो नया हमारे पास एक्सप्रेशन है इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर वो के पी कहलाएगा, स्मॉल पी, के सी फॉर कंसंट्रेशन था एंड के पी इज़ फॉर पार्शियल प्रेशर। नाउ अब सवाल ये पैदा होता है कि दीज टू आइदर आर इक्वल और नॉट इक्वल। तो वो ये कहता है कि एक जनरल इक्वेशन है जो कि ये डिफाइन करेगी कि ये दोनों बराबर होते हैं या नहीं। वो इक्वेशन ये है कि आपके पास जो के पी है दैट इज़ इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन, दिस इज़ अ न्यू इक्वेशन जो कि आपको याद रखनी है, क्योंकि इसकी डेरिवेशन हम कर सकते हैं थ्रू डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, बट चूंकि इस बुक के स्कोप से बाहर है या जो चीज़ उसने नहीं बताई हमें उसके डिटेल में जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वी विल रिफ्रेन आवर सेल्व इन ओनली इन ऑन टू दिस रिएक्शन, कि ये रिएक्शन हम याद कर लेंगे, ये इक्वेशन जो है हम याद कर लेंगे। और ये ही है बेसिकली द रिलेशन बिटवीन के सी एंड के पी। अब इस इक्वेशन को देख के पता लगता है कि के पी इज़ नॉट इक्वल टू के सी, लेकिन एक कंडीशन है। अब सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि इसके अंदर है क्या क्या। के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। नाउ आर इज़ द आइडियल गैस कांस्टेंट, ये आपको पता है, आप अपनी थर्ड चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ गए हैं। टी इज़ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसके ऊपर वो चीज़ मौजूद है इन केल्विन्स, इसके यूनिट केल्विन होंगे। डेल्टा एन इज़ द, एन होता है स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स, तो डेल्टा एन इज़ द डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स। और ये डिफरेंस किस किस का डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होता है आपके पास डेल्टा एन बराबर होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
रिएक्टेंट्स। तो आप जब रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को माइनस कर दें प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स में से, तो आपके पास डेल्टा एन आ जाएगा। अब के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। अब अगर मैं चाहता हूँ कि के पी और के सी जो हैं वो बराबर हो जाएं, तो मेरे पास जो आर टी की पावर डेल्टा एन वाला फैक्टर है इसको मुझे वन करना पड़ेगा। अगर ये वन हो जाए, इसकी वैल्यू वन हो जाए, तो वन के सी से मल्टीप्लाई होके के सी रहेगा और के पी के सी के बराबर हो जाएगा। अब आर भी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं हो सकती। टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट से मुराद यहाँ पर क्या है कि कोई ना कोई टेम्परेचर तो मौजूद होगा ना जिस पे आपका रिएक्शन हो रहा होगा। तो आप आर और टी को तो वन नहीं कर सकते, लेकिन अगर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो एनीथिंग रेज टू पावर ज़ीरो विल बी इक्वल टू वन। ये आर टी की पावर डेल्टा एन है ना, तो आर भी ज़ीरो नहीं हो सकता या वन नहीं हो सकता, टी भी वन नहीं हो सकता, इसकी पावर में ज़ीरो है डेल्टा एन है। अगर डेल्टा एन ज़ीरो हो जाए आर टी की पावर ज़ीरो, तो एनी थिंग जिसकी पावर ज़ीरो होती है वो किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है। तो पता ये चला कि हर उस केस में जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो होगी, उस केस में के पी और के सी जो है वो बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज जो है वो बराबर नहीं हो सकते। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकली वो ये थी कि एज लॉन्ग एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, जब तक वो इक्वल रहेंगे हमारे पास के सी बराबर रहेगा के पी के। क्यों? क्योंकि डेल्टा एन वॉज दी एन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट्स था ना, तो जब ये सेम होंगे तो फिर डेल्टा एन मेरे पास आएगा ज़ीरो, और जब डेल्टा एन मेरे पास ज़ीरो आएगा तो ये टर्म जो सी है आर टी की पावर डेल्टा एन, ये हो जाएगी के सी इंटू आर टी की पावर ज़ीरो और ये हो जाएगी वन, तो मेरे पास के पी बराबर आ जाएगा के सी के। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इस रिएक्शन में, इस टॉपिक में है, कि एक आप इनका रिलेशन याद रखें और समझें, और दूसरा ये है कि किन कंडीशन में जो है के पी के सी के बराबर होगा, और वो कंडीशन है जब आपके पास डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स जो सा है वो ज़ीरो हो जाए। तो दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, के हमने कंसंट्रेशन को चेंज किया पार्शियल प्रेशर में और दोनों का रिलेशन जो था वो इस इक्वेशन से आया। अब हम सॉल्व करने जाएंगे अपनी इसी सब्जेक्ट की, मतलब इसी जो चीज़ हमने स्टडी है उससे रिलेटेड एग्जांपल की, जो कि आपके चैप्टर 8 की एग्जांपल नंबर 2 है। इसमें वो डाटा हमें क्या दे रहा है, वो कहता है जी के एन टू एंड एच टू गैसेज कम्बाइन टू गिव एन एच थ्री, अमोनिया गैस हमें मिली। द वैल्यू ऑफ के सी, वो कहता है जी के सी की वैल्यू जो है इस रिएक्शन पे वो है जी 6.0 × 10⁻²। और एट वो 500 डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर भी दे रहा है। वो कहता है जी टेम्परेचर आपके पास है 500 डिग्री सी। जो आपके पास इक्वेशन, जब भी आपके पास टेम्परेचर हो आप उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लें, तो इट कम्स आउट टू बी 773 केल्विन्स। ये डाटा है हमारे पास गिवन। और रिक्वायर्ड हमसे क्या है, हमसे मांग क्या रहा है, हमसे वो मांग रहा है द वैल्यू ऑफ के पी, कि के पी की वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो अभी हमने के पी और के सी का रिलेशन पढ़ा था, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और अपनी वैल्यू को निकाल लेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले यू नीड टू राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्यों? क्योंकि आपको अपने रिएक्शन में डेल्टा एन की जो है वो ज़रूरत पड़नी है, और वो इसी से निकलेगी।
बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है कि N2 ऑफ गैस का एक मॉलिक्यूल 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस दे विल कंबाइन टुगेदर टू गिव 2 मोल्स ऑफ अमोनिया गैस। अब मैं लिखता हूँ अपनी स्टेटमेंट, अपनी रिएक्शन, अपनी इक्वेशन जिससे मुझे मेरी रिक्वायर्ड चीज़ जो है वो मिलेगी। के पी मुझसे मांगा गया है और के पी बराबर होता है के सी इंटू आर टी और इसकी पावर डेल्टा एन। अब मेरे पास, मैं अपनी चीज़ें लिख लेता हूँ जो मेरे पास मौजूद हैं। के सी मेरे पास रिएक्शन में गिवन था आपकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट में, जो कि है 6 × 10⁻²। दूसरी चीज़ मेरे पास है आर। आर होता है जनरल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है 0.0821 डेसीमीटर क्यूब एटीएम पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू और इसके यूनिट्स हम डिटेल में चैप्टर 3 में डिस्कस करके आए हैं। थर्ड चीज़ इज़ द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर इज़ आल्सो गिवन, जो कि 500 डिग्री सी था और हमने उसको कन्वर्ट कर लिया था इनटू द केल्विन्स। आखिरी चीज़ रह गई हमारे पास डेल्टा एन। डेल्टा एन वाज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं? प्रोडक्ट में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं 2, दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। माइनस करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 1 मोल नाइट्रोजन का और 3 मोल हाइड्रोजन के, तो टोटल हो गए 4। ये जब 2 माइनस 4 होगा तो आंसर विल बी -2। अब हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करने के लिए तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब हम उठा के इनको इसके अंदर पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। तो के पी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी इसकी पावर डेल्टा एन। के सी वॉज 6.0 × 10⁻², मल्टीप्लाई बाय आर इज 0.0821 एंड टी वॉज 773 केल्विन एंड डेल्टा एन इज -2। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर आएगा 63.5 × −2। -2 का मतलब है कि ये वैल्यू नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगी। तो 6 × 10⁻², डिवाइडेड बाय 63.5 का स्क्वायर हो जाएगा ये जब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में आएगा। इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा किसका? के पी का, जो कि क्या है 1.5 × 10⁻⁵ होगा। तो यहाँ से हमने देखा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसमें, उससे हमने के सी की वैल्यू को लेकर चले और के पी का आंसर जो है वो निकाल लिया। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस करें कि जो के सी था हमारे पास वो है जी 6 × 10⁻², लेकिन जो के पी निकला है दैट इज 1.5 × 10⁻⁵। तो इस केस में जो आपका के पी है दैट इज स्मॉलर देन के सी, के सी की वैल्यू बड़ी है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि नंबर ऑफ मोल्स जो से थे प्रोडक्ट्स के वो कम थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से। वो जो उनसे थे आपके पास 2 मोल बन रहे थे 4 मोल्स से। लेकिन अगर इसके उल्टा होता, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा रिएक्शन होता कि 1 मोल इसका ए का प्लस 2 मोल बी के मिलते आपके पास और 4 मोल आगे किसी और चीज़ के बन जाते सी के, तो फिर इस केस में जब प्रोडक्ट्स के मोल ज़्यादा होते हैं रिएक्टेंट के, तो फिर आपके पास जो के सी की वैल्यू है, के पी की वैल्यू, वो बड़ी होती है के सी से। तो ये आपको देख के भी अंदाज़ा हो सकता है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कि अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो उनसे हैं वो कम होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो के पी की वैल्यू जो है वो के सी से कम आएगी, और इसका उलट होगा अगर नंबर ऑफ मोल्स जो उनसे हैं वो एक दूसरे से उलट होंगे। तो दिस वाज आवर टॉपिक टुडे, जिसमें हमने के पी और के सी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया और उसका इस्तेमाल एक एग्जांपल के अंदर करके
देखा।